हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज क्वारंटाइन के टाइम पर हम कुछ बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग जो आपको हेल्प करती है घर में बैठकर भी आप किस तरीके से अपने अपना पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कुछ साल पहले इसको लोग नहीं इतना जानते थे, लेकिन आज की डेट में ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री उभर कर सामने आ रही है। पहले सिर्फ ये 80% लेडीज़ और 20% जेंट्स करते थे, लेकिन आज की डेट में अगर इसके फिगर्स को चेक करें तो 50% जेंट्स और 50% लेडीज़ इसमें इंटरेस्टेड हैं। ये क्यों करते हैं लोग? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है इसमें आपको। इसमें हमें अपने आप, हमारा कोई बॉस नहीं होता, ट्रैवल करने का मौका मिलता है और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग आवर मिलता है। तो आने वाले टाइम में नेक्स्ट इंश्योरेंस जो हमें ज़रूरत है वो नेटवर्क मार्केटिंग की ही है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अपना दिन प्लान करना होता है और डेली बेसिस पे काम करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप इसको काम को डिले कर सकते हैं। दो तरह के लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। एक जिनकी बहुत मेहनत करके भी आय कम है और सपने बड़े हैं, एक वो जिनकी आय तो ठीक है लेकिन उनका सारा वक्त जो है वो काम के लिए रह जाता है। इस महामारी के दौर पर इस इंडस्ट्री से हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, आइए जानते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहले ये देख लें, एक तो जॉब सिक्योरिटी है, दूसरा इसमें हमारे हम जितना काम करते हैं उसका उतना बेनिफिट मिलता है। बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी हम इसको शुरू कर सकते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है। जितना पैसा हम चाहते हैं अपने लिए उतना पैसा हम इसमें कमा सकते हैं। इसमें हमें ये एक टीम गेम है। इसमें हम दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो हमें नौकरी से निकाल सके, क्योंकि इसमें हमारा बिजनेस है, ये इसमें हम खुद बॉस होते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि मार्केट कंडीशन या गवर्नमेंट पॉलिसी का इसके ऊपर कोई खास असर दिखाई नहीं देता। क्वारंटाइन के टाइम पर भी जहाँ सब तरफ लॉकडाउन है, नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग अपना काम वही स्पीड से कर रहे हैं। अगर आपके पास डटे रहने का हौसला है, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए सबसे बेस्ट है। पर अगर आपके पास ईगो है तो आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं होते, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं होते। ऐसे दौर पर अपने आप को पॉजिटिव रख पाना एक बहुत बड़ी चुनौती का काम होता है। फिर भी अगर आप इसमें डटे रहने का हिम्मत रखते हैं तो ये बहुत बेहतर इंडस्ट्री है। इससे भी खास बात, अगर आप चाहते हैं आपका पैसा ना डूबे, आपके सपने ना टूटें, आपका समय नष्ट ना हो, तो बहुत ध्यान से अपनी इंडस्ट्री को चुनिए, अपनी कंपनी को चुनिए। किस तरीके से चुन सकते हैं? एथिकल कंपनी चुनिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चुनिए, सरकारी नियमों को पालन करने वाली कंपनी चुनिए, और ऐसी कंपनी मत चुनिए जो आपको रातों रात अमीर बनाने का बारे में बात करे। अगर आप वाकई में किसी प्रोडक्ट बेस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो ओरिफ्लेम को चुनिए। ओरिफ्लेम क्यों? क्योंकि ये एक नेटवर्क मार्केटिंग है जिसका बिजनेस प्लान जो है वो पूरी दुनिया में अपने आप को प्रूव कर चुका है, और ये इसमें बहुत सारे ऐसे ड्रीम प्रोग्राम है जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसके जो प्रोडक्ट है बिल्कुल नेचुरल बेस्ड है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ही हमें काम करने का मौका देती है। नेटवर्क मार्केटिंग की बैकबोन होता है रीडिंग एंड ट्रेनिंग, तो क्यों ना हम भी कुछ नया सीखें इसमें। इसमें पुराने काम के साथ हमें पुराने रिजल्ट आएंगे, तो क्यों ना इतने इस चैलेंजिंग मोड पर क्वारंटाइन के इस दौर में अपने आप के लिए कुछ नया सीखें। ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग सोशल मीडिया के साथ हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानें। सबसे पहले तो ये जानें कि नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्या होता है। हमें लीड जनरेशन करनी होती है, उनके साथ फॉलोअप करना होता है, और उन जो लोग हमें मिलते हैं उसी में हमें लीडरशिप डेवलपमेंट करनी होती है। इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है फेसबुक, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर ही हैं। अगर आप 18 साल की उम्र रखते हैं और काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपका स्वागत है। फिर आपको करना क्या है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट डालनी है और वहाँ पर लोगों को अपॉर्चुनिटी, एक पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है।
आप उनको एक कुछ इस तरीके की पोस्ट डाल सकते हैं, कुछ इस तरीके की एड्स डाल सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं उनको कि ये क्या अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आपको दिखाई देते भी होंगे फेसबुक पर। आप अपनी खुद की एक स्टोरी क्रिएट करके, खुद का आप ये एक बैनर बनाकर कुछ कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत नया काम जब हम सीखते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं हो चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। थोड़ी देर चलता है तो हमें फेलियर मिल जाती है तो हम डर जाते हैं, लेकिन घबराइए नहीं। फेलियर जो है एक गुड लर्नर की निशानी है, सबसे बेस्ट टीचर होते हैं। फिर भी आप अपने लिए पोस्ट डालते जाइए, आपको धीरे धीरे रिजल्ट्स आते जाएंगे। बहुत सारी पोस्ट हैं आज की डेट में आपको दिखाई देती हैं, आपको अलग अलग ग्रुप्स में अपने आप को ऐड करना है, वहाँ पर अपनी कुछ भी किसी भी तरीके से आप पोस्ट बनाइए जो आपको अपने लिए बेस्ट लगती हो वो बनाइए। किसी की पोस्ट को चोरी करके मतलब डालिए, अपनी खुद की पोस्ट बनाइए। ये यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स दी हैं जो मैंने फेसबुक से ही ली हैं, जो लोगों ने डाली हैं और लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। आपको करना क्या है, फेसबुक और इंस्टाग्राम में अपनी एड्स डालकर उनको कॉल करना है अपने वेबिनार्स पर, अपने लीडर के वेबिनार्स पर, और उनको बतानी है ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी के बारे में। आशा चाहे जितनी भी बड़ी कम क्यों ना हो, लेकिन निराशा से बेहतर ही होती है। तो क्यों ना हम अपने आप को कुछ नई चीज़ों को सीखने में अपने आप को तैयार करें। 7-8 घंटे जॉब करके भी हम कुछ इतना नहीं कमा पाते जितना हम अपना बिजनेस करके कमा पाएंगे। आप अच्छी सी स्टोरी बनाइए, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानिए, उनको जो प्रोडक्ट्स आपको बेहतरीन लगते हैं उनके बारे में अपनी पोस्ट डालिए, नए दोस्त बनाइए और ये काम कीजिए। एंटरप्रेन्योर बनने के में 2 ही चीज़ें होती है, अपना विजन सेल करना और अपने होराइजन को बड़ा करना। इसको बार बार करते रहना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस ही है। तो इन सब चीज़ों के साथ बिल्ड कीजिए अपनी एक स्ट्रॉन्ग टीम, और ऐसी टीम होनी चाहिए जिसमें आपको पता ही ना चले कि बॉस कौन है। थैंक यू सो मच।